हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गाइस, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। सो आज मैं और मौसम आए हैं संभल, और आज हम कुछ एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपका संभल के जो किस तरह से सजाया है, किस तरह से डेकोरेट किया है, सारा कुछ रूबरू कराने वाले हैं। सो आप लोग गाइस वीडियो के अंत तक बने रहना, पसंद आए तो लाइक लुक कर देना। तो चलिए आज हम संभल चलते हैं। संभल में आ गए हैं और अब मार्केट में चलते हैं, दिखाते हैं आपको, नज़ारा कराते हैं, ठीक है? तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है? सो लास्ट गो। सो गाइस, जैसे हमने एंट्री की तो हमें मिल गई यहाँ पे ये ठेली दोस्तों, मिट्टी के जो बर्तन बिकते हैं। ब्लॉग में क्लिप डालेंगे, ये वाली है ना, कंपलसरी होते हैं, मतलब दिवाली पे ख़रीदारी करना। और ये जो रोड है दोस्तों, मैं आ गया हूँ जो शंकर चौराहे से सीधा जाता है सूरज प्लाजा की तरफ, और जो तहसील कढ़ार है उसकी तरफ, यानी कि मेन मार्केट की तरफ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि अच्छे तरीके से यहाँ पे सज चुका है संभल, और ये इसकी जो गली है संभल की, वो अच्छे तरीके से सज चुकी है और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया है। अगर दोस्तों नाइट में हम लोग आते तो नाइट में और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। तो देखते हैं दोस्तों हम कितने बजे यहाँ से जाते हैं, अगर नाइट हुआ तो फिर हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ की जो शॉप है दोस्तों, वो एकदम से दुल्हन की तरह सज चुकी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। और ये देख सकते हो गाइस, यहाँ पे बहुत सारा डेकोरेशन करने के लिए, जो घर को हम डेकोरेट करते हैं उसके लिए काफ़ी सारे आइटम्स लगे हैं यहाँ पे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे। सो आप लोग दोस्तों संभल के आसपास से बिलोंग करते तो आप लोग भी आइए यार, ख़रीदारी कीजिए, इंजॉय कीजिए, फुल मस्ती कीजिए। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे गाइस, यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था। काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बिक रही थी यहाँ पे, लक्ष्मी जी और गणेश जी की सबसे ज़्यादा मतलब मूर्तियाँ थी यहाँ पे मैंने देखा तो। और ये दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ये कैंडल वगैरह कंडील बिक रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे झालर है, और रोशनी के लिए भी बल्ब वगैरह भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे अच्छे बिक रहे थे यहाँ पे। और ये दोस्तों मैं आ गया था तहसील के ढार पे, तहसील के ढार पे यहाँ पे कैलेंडर वगैरह बिक रहे थे। यहाँ पे ये हर साल शॉप लगती है, और काफ़ी अच्छे अच्छे कैलेंडर दोस्तों मैंने यहाँ से कुछ मैंने भी लिए थे कैलेंडर। और दोस्तों इसके बाद में हम पहुँचे थे यहाँ पे, जहाँ पे पीतल के आइटम्स। और ये भाई दोस्तों मुझे जानते भी अच्छे तरीके से, पहचान लिया ना। आज फिर हम ब्लॉगिंग करने आ गए हैं भाई। यहाँ पे बाजार लगता है गाइस, हर साल लगता है यहाँ पे, और इसी जगह पे लगती है इनकी भाई। और काफ़ी अच्छे अच्छे है ना पीतल के आइटम जो भी है ना, बहुत अच्छे अच्छे बिकते हैं यहाँ पे भाई। ये हर साल यहीं पे लगती है इनकी भाई ठेली। हे गाइस, तो हम आ गए मोबाइल की शॉप पर, और अभी हमने एक न्यू फोन लिया है अपनी वाइफ के लिए। वो कौन सा है मैं आपको बाद में बताऊँगा कौन सा है, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे ठीक है घर जाके। और भी बहुत सारा सामान लिया है, वो सारा कुछ आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, आपको तो थोड़ा जमा के रखना है, कहीं नहीं जाइएगा, लाइक तो बनता है यार एक, और आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है यार। प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो, और ढेर सारी आप सबको वही बधाई है ना, और अच्छे से रहना थोड़ा। चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं, हम ब्लॉग दिखाते हैं। और दोस्तों फ़ोन हमने ख़रीद लिया था, उधर से आते हुए हमें हो गई थी मतलब रात, तो अंधेरा हो गया था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो रोशनी कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे, अच्छी खासी सजावट लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं पे घूमते रहो। तो जो भी है गाइज, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या क्या खरीदा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे ये आइटम्स ख़रीदे थे, और बहुत सारे आइटम थे जो कि पूजा के करने के थे, और जो खीर परवल वगैरह होते हैं वो बहुत सारे हैं, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया हूँ, वो रखे हुए हैं अलग। तो मुझे जो दिखा सुबह में वो मैंने आपको दिखा दिया, मैं बोला कि सुबह में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोग नाइट में आए थे तो नाइट में हम आपको कुछ नहीं दिखा पाए थे। तो दोस्तों हम मोबाइल की अनबॉक्सिंग करेंगे, तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं। गाइस, हम लोग आपको कल नहीं दिखा पाए थे क्योंकि रात हो गई थी हमें आते आते, तो हम बोले कि अब सुबह में आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा हमारा मोबाइल, जो न्यू वाला फ़ोन है ना वो लेके आ गए हैं हम लोग। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, जल्दी से दिखाएंगे आपको। इसमें ये हमारा बिल निकला है, और पता हमने ये लिए थे धनतेरस से, तो बर्तन खरीदना अच्छा माना जाता है, तो हमने ये लिए थे एक, और ये एक लिया था सब्जी रखने के लिए, कैलेंडर भी लेके आते हैं ये वाले। और अब मैं इसको ओपन करता हूँ, क्योंकि हमने ओपन तो करके देख लिया था, लेकिन आपको और किस तरह का आ गया ये देख सकते हो। ओप्पो का ये ओप्पो A77 ओप्पो A77 बोलते हैं, ये पता है किसके लिए, आप लोगों ने शायद पहले सुन लिया होगा ना।
अच्छा लग रहा है गाइस, अच्छा लग रहा है। चार्जर है इसके साथ है, ये केबल है, और इसमें है इसका कवर गाइस। पेपर है इसमें, तो इसमें ये पिन दी गई है, ये कवर है इसका, तो इसको मैं लगा देता हूँ इसका कवर। ये ऑन भी हो गया है, और तो ये गाइस मैंने कवर इस पे लगा दिया है। दोस्तों ये कि हमारे धनतेरस की शॉपिंग आई हो, आपको पसंद आई होगी, और आज के ब्लॉग पर हम लोग एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको कोई अच्छा सा ब्लॉग लेकर। और ये जो फोन है गाइस,